दोस्तों आपका साइबर गड्ढा में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि राम और सीता के विवाह में किस प्रकार के चित्रकला का प्रयोग किया गया था? इस चित्रकला में जिन देवी देवताओं को दिखाया जाता है वे हैं माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार। इन तस्वीरों के अलावा कई प्राकृतिक और रम्य नज़ारों का भी चित्र बनाया जाता है। जानवरों, चिड़ियाँ, फूल पत्ती को स्वास्तिक की निशानी के साथ सजाया और संवारा जाता है। यह जानकर हैरानी होगी कि इन रंगों को घरेलू चीज़ों से ही बनाया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते और दूध इत्यादि से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिथिला या मधुबनी चित्रकला, जो मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज़ पर उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुष ने भी अपना लिया है। माना जाता है कि इस चित्रकला को राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाई थी। आज मिथिलांचल के कई गांवों की महिलाएं इस कला में दक्ष हैं। अपने इस असली रूप में तो ये चित्रकला गांव की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन इसे अब कपड़े या फिर कागज़ पर खूब बनाया जाता है। इस चित्रकला में खास तौर पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, प्राकृतिक नज़ारे जैसे सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह की दृश्य देखने को मिलेंगे। मधुबनी चित्रकला दो तरह की होती है, भित्ति चित्र और अरिपन या अल्पना। भित्ति चित्र को मिट्टी से पुती दीवारों पर बनाया जाता है। इसे घर की तीन खास जगहों पर ही बनाने की परंपरा है, जैसे भगवान व विवाहितों के कमरे में और शादी या किसी खास उत्सव पर घर की बाहरी दीवारों पर। सदियों पुरानी कला के इस रूप को देश विदेश की मुख्य धारा में लाने का श्रेय अनेक विद्वानों और कला प्रेमियों को जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ब्रिटिश अधिकारी WG Archer 1930 के दशक में तस्वीरों के माध्यम से मिथिला चित्रकला को पहली बार दुनिया के सामने लाया था। लेकिन मधुबनी पेंटिंग को ऑफिशियल पहचान तब मिली जब 1969 में सीता देवी को बिहार सरकार ने मधुबनी पेंटिंग के लिए सम्मानित किया था। सीता देवी को 1984 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। सीता देवी को शिल्प गुरु सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, क्या आप शिल्प गुरु सम्मान के बारे में जानते हैं? जगदम्बा देवी भी पहली ऐसी आर्टिस्ट थी जिन्हें मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। संस्था 2003 में बनाई गई जो मिथिला कला संस्था के रूप में जानी जाती है, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कलाकार किसी तरह इस पुराने कला के रूप को बचाए हुए हैं। महिलाओं की विशेष उपस्थिति इस चित्र कला की विशेषता रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में इन्हें बचाए रखा है। मिथिला चित्रकला में अब प्राकृतिक रंगों के बदले एक्रेलिक रंगों का प्रयोग होने लगा है। इससे चित्रकला के जल्दी बिखरने का खतरा नहीं रहता। मधुबनी चित्रकला में आज भी मिथिलांचल की मिट्टी की खुशबू अपने आप में ही निखरने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत जानकारी के लिए जो विद्यार्थियों और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए अभूतपूर्व होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर साइबर गड्ढा। धन्यवाद।